मोगैले जिले की लोरमी जनपद पंचायत के मनोहरपुर गांव में सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने अधिकारियों के संरक्षण में जमकर भ्रष्टाचार किया है और जिला पंचायत सीओ के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 साल के कार्यकाल में सरपंच ने कई फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए निकाले हैं, जिसकी शिकायतें लगातार कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ से की गई हैं। फिर जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर 26 लाख रुपए की रिकवरी सरपंच और सचिव पर निकली थी। रिपोर्ट के बाद दोषी सरपंच और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया, फिर भी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के बजाय उन्हें 5 लाख का चेक दे दिया गया। इससे जनपद पंचायत लोरमी में खुलेआम कमीशन के खेल का अंदाजा लगाया जा सकता है और इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम करने की चेतावनी दी। अभी तक 26,00,000 रुपए की रिकवरी सरपंच सचिव के द्वारा अनियमितता के बारे में जांच किए हैं। ग्राम पंचायत मनोहरपुर में 26,26,999 रुपए का गड़बड़ी की गई है। अगर जांच हुआ तो वो 7 लाख पहुंच सकते हैं। इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त हुई है और संबंधित विभाग से जानकारी लेकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार संदीप सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, जैसा कि लोरमी में सरपंच सचिव पर फर्जी बिल लगा के भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया और ये मामला महज कुछ हजार का नहीं बल्कि 26 लाख के गबन का है, इस पर क्या तर्क सरपंच और सचिव ने दिए हैं और साथ ही क्या कार्रवाई की बात उन पर कही जा रही है? पंचायत लोरमी का यह पूरा मामला मनोहरपुर गांव का है, जहां पर 26 लाख रुपए की रिकवरी कुछ ही दिनों पहले जिला पंचायत सीओ के द्वारा जांच के बाद लोरमी जनपद पंचायत को एफआईआर करने आदेश दिए गए थे और इस पूरे मामले में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद जांच अधिकारी कररोपण अधिकारी के रूप में लोरमी से राम कुमार पात्रे जांच करने गए थे, जो केवल वहां पर टेबल में बैठकर जांच किए हैं। और ग्रामीणों का यह आरोप है कि यदि गांव में यदि स्पष्ट जांच की जाए तो 30-40 लाख रुपए की रिकवरी और सामने आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में अधिकारी कर्मचारी बदते हुए नजर आ रहे हैं और जिला पंचायत सीईओ के आदेश की अवहेलना करते हुए लोरमी जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा उन्हें रिकवरी आदेश जारी होने के बावजूद 5 लाख रुपए की फिर से चेक जारी कर दी गई। इस पूरे मामले में लोरमी जनपद पंचायत के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सबके संज्ञान में आ गया और जो लोग जांच कर रहे हैं वो भी ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बंदरबांट भी यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। जी संदीप, चलिए संदीप से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ सीओ साहब हरि कृष्ण शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरि कृष्ण जी। हरि कृष्ण जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बोलिए जी। हरि कृष्ण जी, मामला संज्ञान में आपके भी आ गया होगा, सरपंच और सचिव पर 26 लाख रुपए की रिकवरी करने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। जब जांच की बात इस पर कही गई तो जो अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं वो भी ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या समझा जाए? इसकी शिकायत तो प्राप्त हुई थी जी, उसकी जांच के लिए हमने भेजा था तो उनने 15 दिन का समय लिया था हमसे जी, जवाब दिए जी। सरपंच ने हमने टाइम दिया था उनको 15 दिन का टाइम, तो 15 दिन में से कितना समय बीत चुका है शर्मा जी? हाँ, उनने जवाब भिजवाया है, हम उसकी परीक्षण कर रहे हैं, उसके जांच की उसके मतलब जो उसने जवाब शिकायत इसका मतलब आप तक पहुंची और मेरे जितना मैं समझती हूँ काफी ज्यादा संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे, क्या उस बात को भी आपने गंभीरता से लिया और जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए? ले रहे, लेकिन जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि मामला सभी के संज्ञान में है, पूरे तौर पर उजागर हो चुका है और मामला महज कुछ हजार का नहीं 26 लाख के गबन का है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप शर्मा जी? समझ रहे हैं मैडम, समझ
जवाब आया है, जवाब का परीक्षण हो रहा है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इतनी आसानी से अगर छोड़ दिया जाएगा दोषियों को, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा छोड़ा नहीं है? सर तो ऑर्डर जारी हो चुका है और हमने ही ऑर्डर किया है उसको। जी ना? कितना समय लगेगा? अब उसके जवाब का परीक्षण हो रहा है, यहाँ से फिर वो जो उनने जो जवाब दिया है और जो आरोप है दोनों का परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों को परेशानी हुई है उनको कम से कम जल्द ही इस पर निजात मिल पाए और ठीक तरीके से कार्रवाई भी हो पाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री संदीप जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। रतलाम